नमस्कार, AK24 लाइव न्यूज़ से अशोक कुमार। जौनपुर ज़िले से बड़ी खबर आपको बता दें, यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के रामपुर विकास खंड से आ रही है। आपको बताते चले, रामपुर विकास खंड में राहुल सिंह उर्फ मंकू द्वारा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। आपको बता दें, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह पत्नी राजेश सिंह के खिलाफ पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राहुल सिंह उर्फ मंकू द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि 2 मतों से पारित हो गया। आपको बताते चले, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कड़ी सुरक्षा के बीच आकर अपना मतदान किया, जो कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 52 मत पड़े। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ अभी यहाँ? आज ये देख रहे हैं आप, रामपुर ब्लॉक के बाहर आज यहाँ पर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। अभी प्रक्रिया चल रही है, कुछ ही देर के बाद ये प्रक्रिया पूरी होगी। और यहाँ पर इस सड़क जहाँ हम लोग खड़े हैं ब्लॉक के बाहर, यहाँ दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग करके हम लोगों ने ड्यूटी लगा रखी है, और अभी ट्रैफिक डाइवर्जन है और सबको बाहर ही रोका गया है। केवल BDC को ही आने की छूट थी, सभी BDC यहाँ फ्रीली आकर के गए हैं और अभी अंदर के प्रोसेस में शामिल हुए हैं, हो रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। और अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास एक रामपुर की तरफ से एक ब्लैक शीशे की स्कॉर्पियो तेज़ी से आ रही थी, और जो हमारी बैरिकेडिंग है उसके बाहर ही जैसा बताया गया उसके ड्राइवर के द्वारा कि कुछ लोगों ने उसके शीशे पर पत्थर फेंके, जिससे उसका शीशा टूटा है। और उसमें बताया गया कि एक BDC थी, वो नंदिनी जायसवाल, लेकिन वो काफ़ी डिले से आई थी, जबकि यही सामने की रहने वाली है। उस समय जब पूछा गया तो अंदर से बताया गया कि उन्होंने काफ़ी वो लेट आई थी, इसलिए उनको एंट्री नियमानुसार नहीं दी गई। शीशा तोड़ा गया था क्या उसके, जिन्होंने तोड़ा उनके खिलाफ कोई मुकदमा? अभी उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शिकायत नहीं किसी से और हम घर जाएंगे, क्योंकि हम लेट आए हैं। और उनको चोटें नहीं आई हैं, उन्होंने उनको बताया है कि हमें कोई चोट नहीं आई है, और उन्होंने कोई अभी तहरीर नहीं दी है। अगर उन्हें कोई उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तो उसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक सर। थैंक यू सर। पूरी हो गई है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जिनके द्वारा लाया गया था राहुल सिंह के द्वारा, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है 52 वोटों से। और ये आज का प्रोसेस सब पूरा ये कंप्लीट हो गया है, सभी BDC अपने अपने
घरों को अपने अपने स्थान सब जा रहे हैं, मैक्सिमम चले गए हैं, ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो गया है, 52 से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। धन्यवाद सर। एक सवाल है कि आप लोगों की गाड़ी बाहर थी, एडिशनल की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, एक गाड़ी बिना नंबर की बार बार ब्लैक फिल्म के अंदर 2-3 बार गई है, किसकी गाड़ी थी, क्या मामला था? यहाँ पर पुलिस की कई टीमें यहाँ लगी हुई थी, उसमें हमारे QRT की भी टीमें थी, कुछ ऑटोमेटिक वेपन से भी हमारी टीमें थी। ये हमारी टीमें, इसमें कई तरह की टीमें थी जो काम कर रही हैं, बाकी अंदर सभी तरह के डिप्लॉयमेंट थे, मजिस्ट्रेट से लेके CDO साहब स्वयं हैं, SDM हैं, BDO हैं, और भी तमाम मजिस्ट्रेट हैं, और पुलिस की कई तरह की अंदर ड्यूटियाँ थी, गेट की, इनर गार्डन, आउटर गार्डन की, PSC की, सिविल पुलिस की, और हमारे सारे में ही ड्यूटियाँ थी, तो ये सब पुलिस के ही हमारे बंदोबस्त थे।